ओम या श्री स्वयं सुगिदिनाम भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतिदयाम हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदाम कुलजना प्रभव सलज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवि विश्व। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य और आज हम बात करने जा रहे हैं आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 16 तारीख की हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, जानकी नवमी की तिथि है, अष्टमी थोड़ी वृद्धि की तरफ गई है, उसके बाद नवमी तिथि का आगमन हो जाएगा और ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से पुरुषार्थ की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ फालतू के लोग आपके जिम में पड़ सकते हैं जो आपके टाइम को ख़राब करने का योग बना सकते हैं। आप अपने भाग्य को सुलाइए मत, तो कोशिश ये करें ध्यान से शांति से बेकार के टाइम को टाइम टेबल सेट कर जिससे टाइम वेस्ट ना हो। ग्रह आपके अनुकूल चल रहे हैं, लाभ के योग बना रहे हैं, तो आप उसकी तरफ ध्यान रखिएगा। बेकार का टाइम, एक टाइम बहुत सुंदर है ये वाला, आगे ना आज काल करें सो आज कर आज करें सो अब, तो यही करने का प्रयास कीजिएगा। समय शुभ है और सही जगह शक्ति का उपयोग करते हुए, पुरुषार्थ का उपयोग करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। माँ भगवती सीता का स्तवन करें, नमन करें और जो अननेसेसरी के शोक बढ़ने के योग हैं, क्योंकि बृहस्पति महाराज जहाँ बैठे हुए हैं तो बृहस्पतिवार के दिन सुंदर योग बन रहा है जानकी नवमी का, अशोक के वृक्ष के नीचे जाकर माँ भगवती की सुंदर आराधना करें और साथ साथ उस दिन रामायण का पाठ वहाँ कर लें, भगवती की आराधना कर लें, ये कल्याणकारी योग बनाएगा। 17 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर और नवमी तिथि विराजमान है, ग्रह राशि आपके लिए अनुकूल चलते दिखाई दे रहे हैं, आने वाले समय में बड़ा लाभ प्राप्ति के संकेत दे रहे हैं ग्रह, तो ऐसे में पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए सही तरह से वातावरण बनाते हुए कार्य करने का प्रयास, सही दिशा में आपको करने का चाहिए योग, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गौ पूजन करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, ये सुंदर उपाय करें। रवि योग विद्यमान है, नए कार्यों के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 18 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, दशमी तिथि विराजमान है इस दिन और ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बृहस्पति से भ्रष्ट होकर चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं सुबह 4:03 पर, तो ये आने वाले 2-3 दिनों में बड़ा लाभ देने के रास्ते खोल सकते हैं। बस महत्वाकांक्षा मत पालिएगा बहुत ज़्यादा, बैलेंस होकर काम करने की ज़रूरत है, बहुत दाव पे नहीं लगाना है किसी चीज़ को। यदि आप बैलेंस होकर चलेंगे तो ये समय आपके लिए लाभ के योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। शनिवार का अवसर है और जैसा हमने पहले भी कहा है आपको, शनि महाराज भाग्य में बैठे हैं, शनि को जितनी ताकत देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि के निमित्त हनुमान चालीसा का पाठ करें और यहाँ एक बात विशेष बता दें हम आपको, आने वाले समय में शनि जयंती का योग आ रहा है, 6 जून को अमावस्या है, वट सावित्री का व्रत है, तो उस दिन विवेकानंद योगाश्रम में शनि ग्रह के तमाम दोषों को शमन करने के लिए 100 पाठ हनुमान चालीसा के रखे जाएंगे। जो शतबार पाठ पढ़ जो ही छूट ही बंद महासु कोई, तो आप भी पहले से अपना स्थान आरक्षित करें, स्वयं आकर उस यज्ञ में बैठें। ग्रह शनि ग्रह शांति महायज्ञ रहेगा तो आपके लिए, और 100 पाठ हनुमान चालीसा 8 घंटे तक लगातार सुंदर कार्यक्रम चलेगा। सुंदर तरीके से इस बात का, इस समय का सदुपयोग करते हुए कार्य करें। 19 तारीख का दिन रविवार का अवसर, एकादशी है, मोहिनी एकादशी का सुंदर व्रत किया जाता है इस दिन। कहा जाता है भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर भगवान शिव की रक्षा भी करी थी। कहा जाता है जब भस्मासुर भगवान के पीछे पड़ा हुआ था तब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और भस्मासुर स्वयं ही अपने ही वरदान के कारण भस्म हो गया। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों की कृपा करते हैं, भगवान विष्णु का स्तवन करने का बड़ा सुंदर अवसर है, तो ऐसे में भगवान विष्णु का विशेष तौर पर पूजन करें, उनको स्नान कराएं, फिर चरणामृत ग्रहण करें, हो सके तो विशेष तौर पर उनके निमित्त चीज़ों का दान करें और उनका मंत्र का जप करें, ओम नमो नारायणाय, समस्त प्रकार से कल्याण के योग बनेंगे। इस दिन शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, शुक्र आपके राजयोग का निर्माण कर रहे हैं लेकिन थोड़ी क्षीणस्त अवस्था में, कमजोर अवस्था में, इसलिए शुक्र को ताकत देने की ज़रूरत है। शुक्र को ताकत देने के लिए ज्वार इत्यादि, हरा चारा इत्यादि नित्य प्रति गाय को खिलाया कीजिए। देखिए ये बहुत सुंदर आवश्यकता है क्योंकि शुक्र इन दिनों राजयोग का निर्माण तो कर रहे हैं 12वें भाव में बैठकर आपकी राशि के अनुसार से, लेकिन वो अस्त अवस्था में है, तो उनको ताकत जितनी देंगे तो उतना सुंदर योग बनेगा। कोई गरीब लोग हों, जरूरतमंद लोग हों जिनकी कन्या की शादी नहीं हो रही हो, तो वहाँ भी सहयोग करने का प्रयास कीजिए, इससे भी शुक्र की ताकत बढ़ेगी और आपके लाभ के योग बनेंगे। 20 तारीख का दिन सोमवार का अवसर और इस दिन प्रदोष का योग है, सोम प्रदोष का योग, ग्रह नक्षत्र को दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त जो बृहस्पति महाराज थोड़े क्षीणस्त अवस्था में है, शुक्र थोड़े क्षीणस्त अवस्था में है, तो आप एक काम करें, शाम को जब प्रदोष का योग हो तो दूध में थोड़ा केसर डालकर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करने की सुंदर व्यवस्था बनाएं। शुक्र को भी ताकत मिलेगी, बृहस्पति को भी ताकत मिलेगी, शिव का आशीर्वाद भी मिलेगा और समस्त ग्रह आपके अनुकूल होंगे, तो ये सुंदर ग्रहों का योग योग जिन दिनों चल रहा है उसको आप अध्यात्म के दृष्टिकोण से समझकर आध्यात्मिक उपाय करते हुए लाभ लेने का प्रयास कीजिए, ग्रह आपके अनुकूल रहेंगे। देखिए हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष समस्त ग्रहों के योगायोग को समझते हुए दिव्य पौराणिक का जो उपाय हैं वही बताने का प्रयास करते हैं।
आमतौर पर आज ज्योतिष जो है वो ऐसे उपाय बताने के प्रयास कर रहे हैं कि जो केवल टोटके के रूप में होते हैं। पौराणिक मत कथाओं के माध्यम से शास्त्र में हमारी समस्याओं का निवारण करने का एक तो सूत्र भी समझाते हैं और साथ साथ उस रहस्य को भी बताते हैं कि इन उपायों को किस रूप से क्यों करना चाहिए। उन तमाम पौराणिक कथाओं का विशेष तौर पर यदि विश्लेषण करें और उन पंचांग में दी गई तिथियों को समझने का प्रयास करें तो हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, अनेक अनेक ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए जो वहाँ कथाएँ वर्णित की गई हैं, चाहे वो एकादशी की कथाएँ हों, चाहे वो पुराण में किसी रूप में भी उन सब शास्त्रों के अनुसार से बात बताई गई हैं, वो समस्त प्रकार से कहीं ना कहीं पराप्रकृति के अनुगामी है, प्रकृति के विरुद्ध नहीं है। चाहे वो भगवान किसी भी रूप में भगवान का पूजन करना, भगवान का अभिषेक करना, मंत्र जप करना, दान करना, ये सब के सब वास्तविक तौर पर आपके इन रहस्यों को उद्गत करते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में सरलता से बड़े बिना किसी बहुत बड़े प्रयास से अपने बड़े से बड़े भयंकर कष्ट को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो इन सब कथाओं के माध्यम से जिस प्रकार से जिनके जीवन में कष्ट आए, आप सोचिए भगवान शंभू के जीवन में भी सरलता के कारण से कैसा कष्ट आया। देखिए भस्मासुर को उन्होंने वरदान दे दिया और उसके बाद वरदान देने के बाद कि जिस पे भी हाथ रखेगा वो अंगा उसका वो भस्म हो जाएगा। तो ऐसे में उसने मन में बुद्धि जाग, कहाँ से दुर्विचार जागा कि भगवान आपके सिर पे रख देता हूँ हाथ, पहले आप ही टेस्ट करके बताओ। तो भगवान शंभू वहाँ से निकलना पड़ा उनको वहाँ से, क्योंकि वरदान था उसको, पर वो वरदान निष्क्रिय हो नहीं सकता था। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु वहाँ स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान शंभू की वहाँ पर जाके रक्षा करी और जैसे उसको मोहित करने के उपरांत मोहिनी अवतार धारण किया और नृत्य करते करते उसको भी अपने साथ नचाते नचाते जैसे ही भस्मासुर ने अपने भगवान ने अपने सिर पे हाथ रखा और उस भस्मासुर ने भी अपने ही हाथ को अपने सिर पे रख लिया और वो विध्वंस को प्राप्त हुआ। तो ये कथा दिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को किसी भी रूप में छोड़ते नहीं, कहीं भी उनके जीवन में कष्ट हो तो उससे निवृत्ति करने का योग बनाते हैं। तो अपने शास्त्र को, अपने विशेष तौर पर पुरानी कथाओं को सुंदर रूप से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ये विशेष तौर पर ये सब नृत्य जो भी कथाओं के रूप से मानवीयकरण रूप में कथाओं को उपस्थित किया गया है, मेरे और आपके मन के प्रश्नों को दूर करने के लिए दिया गया है। हमारे जब तक मन में अनेक अनेक प्रकार से, ये कहीं भी इस प्रकार से नहीं कि भगवान कोई शक्ति से कम है या ज़्यादा है, ये सारे भाव ऐसे हैं कि हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से विद्वान होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए, शक्ति संपन्न होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हो जाती हैं और उस त्रुटियों का हमें भोग भी भोगना पड़ता है। लेकिन यदि हम तत्वनिष्ठ रहे, सत्य का आचरण करते रहें, भगवान का भजन करते रहें, शंभू करते क्या है, नित्यपति भगवान का स्तवन ही करते हैं, उनको आँख में बंद कर किसका नाम स्मरण करते हैं, भगवान का ही तो, प्रभु परात्परब्रह्म का ही तो नाम स्मरण करते हैं। शास्त्र में यहाँ इन तीनों शक्तियों में कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं बताया गया है। तो हम इसी सूत्र को समझते हुए, इन्हीं रूपों को समझते हुए जो हम उपाय आपको नित्यपति बताते हैं, उन सबको निदान करते हुए अवश्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो आज हमारे शास्त्र पर अनेक प्रकार के प्रश्नों को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। शास्त्र कहीं गलत नहीं है, मेरा जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, किसी विद्वान में कोई ना कोई मिसइंटरप्रिटेशन करने की बात हो सकती है, लेकिन शास्त्र में जो भी कथाएं उपस्थित की गई हैं वो सारी की सारी हमारे जीवन में कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाली। ये विवेकानंद योगाश्रम, मैं आचार्य विक्रमादित्य इसी अपने चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष इन सब रहस्यों को धीरे धीरे रखने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिष के माध्यम से हम इन कथाओं को भी आपके समक्ष रखते हैं तो जिससे आपके प्रश्नों का भी समाधान हो। और विवेकानंद योगाश्रम में तो इस संबंध में बहुत सारा अद्भुत कार्य किया जा रहा है, स्वाध्याय कराया जा रहा है। हर रविवार को विशेष तौर पर जो आश्रम में नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार के दिन हम उस कार्यक्रम में स्वाध्याय की व्यवस्था कराते हैं। आप स्वयं उसमें भाग ले सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं, और भारतीय संस्कृति में यज्ञ प्रधान संस्कृति बताई गई है। लेकिन विचित्र विडंबना यह है कि आज हमारी संस्कृति यज्ञ शून्य होती चली जा रही है, यज्ञ हमारे जीवन में है ही, होता ही नहीं है। जहाँ जिस जगह कहा गया था बलि विश्वदेव यज्ञ, जैसे हमारे संस्कृति में उपस्थित किया गया कि नित्यपति हर व्यक्ति को अवश्य यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए, पहले तो चलो क्या हुआ, यज्ञ धीरे धीरे आक्रांताओं के कारण से संस्कृति का धीरे लोप होने का प्रयास होता रहा, फिर जो मॉडर्न व्यवस्था बनी उसके कारण से हम धीरे धीरे ऐसे हो गए कि ना हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना पाए पूरी तरह से, ना अपनी संस्कृति को। पाश्चात्य देश आज हमारी संस्कृति को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि हमारे जो विश्लेषण है कितने सुंदर रूप से प्रकृति के साथ जोड़ने का है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग आज भी हमारी ही संस्कृति के अंदर ना समझते हुए, अज्ञान रखते हुए आज हमारी संस्कृति का ही उपहास करने का प्रयास करें। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को पुनः
उस संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास करें। और ये संस्कृति बड़ी सुंदर है, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम इन सब बातों को, कथाओं को धीरे धीरे आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का हमें हम भेज सकते हैं, उन सबके निदान भी देंगे। हाँ, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से तो अवश्य, ज्योतिष एक चमत्कारी विज्ञान है, परम वैज्ञानिक विज्ञान है, जो आज बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स के द्वारा जिन काल गणनाओं को आज नासा जैसे साइंटिस्ट वहाँ उपस्थित करते हैं, यदि पंचांग को हम देखें तो वहाँ उसका एक रूप अवश्य उपस्थित है। यदि उसको उनके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा कहीं ना कहीं उन गणनाओं को हम नासा की जो मॉडर्न कैलकुलेशंस हैं उनके कहीं समकक्ष ही पाएंगे। तो कैसे हमारे ऋषि उन्होंने इतनी सुंदर चीज़ उपस्थित करी उस समय में, जहाँ ना सैटेलाइट्स थे, ना टेलीस्कोप्स थे, ना कोई विशेष तौर पर कंप्यूटर्स अवेलेबल थे। तो आप समझें कि हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत है, वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ चाहे योग, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा, चाहे विज्ञान, जो भी बातें बताई गई हैं शास्त्र में वो बिल्कुल प्रमाणित हैं। उन सबको हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो बड़ा सुंदर आपके प्रश्नों का समाधान भी मिलेगा, जीवन को जीना भी आसान होगा। और जीवन जीने की कला हमारे संस्कृति के अलावा तो शायद किसी और संस्कृति में इतनी सुंदर तरीके से नहीं बताई गई है। विवेकानंद योगाश्रम में आप बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए पधार सकते हैं, हम समय समय पर आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान देते हैं। तो और भी यदि आपकी जन्मपत्री में कोई कष्ट आपको समझ में आ रहा है, वो कोई लग रहा है, कई बार हमारे मनोभाव में भी आता है, आपके मन में आने वाले विचारों को अभी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए आपके विचार, क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्र कहता है यावत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे इस परमात्मा, जैसे इन संपूर्ण आप भी, ये कहा गया है कि इसी शरीर रूपी पिंड के स्वयं ब्रह्म हैं, स्वयं उसके मालिक हैं। तो आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन परमात्म तत्व से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी बातें इंट्यूशन के रूप में आपके मनोमस्तिष्क में आती हैं, तो उसको यदि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बात आ रही है तो उसको जन्मपत्री के साथ, विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, वो सत्य होती हैं और उनमें आप अनुभव का लाभ भी ले सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि हम इस चैनल के माध्यम से, आश्रम के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहें, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल हैं, वेबसाइट एड्रेस अवेलेबल है, विवेकानंद योग आश्रम का एड्रेस अवेलेबल है। आइए विवेकानंद योग आश्रम में, हमारे साथ मिलकर सुंदर संस्कृति का निर्माण करें। धन्यवाद।